आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सवाल है, लेखपालों द्वारा अनिश्चितताओं को समाप्त करने की प्रवृत्ति के अंतर्गत संपत्तियों व आमद को कम मूल्य पर तथा देनदारियों व व्यय को अधिक मूल्य पर दर्शाने वाली संकल्पना है। तो इस सवाल में दो चीज़ों में ध्यान देनी है। उस संकल्पना की पहचान करनी है जिसके अंतर्गत संपत्तियों व आमद को कम मूल्य पर दर्शाया जाता है तथा देनदारी व व्यय को अधिक मूल्य पर दर्शाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी रूढ़िवादियों की संकल्पना जो है, जिसे हम विवेकशीलता की संकल्पना भी कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे विवेकशीलता, जिसे हम रूढ़िवादी की संकल्पना भी कहते हैं, रूढ़िवादिता, तो विवेकशीलता संकल्पना। ठीक है, तो विवेकशीलता संकल्पना हमें क्या क्या कहती है। पहली चीज, इस संकल्पना के अनुसार सभी लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक वह हमें अर्जित ना हो। तो लिखेंगे लाभों को लेखा पुस्तकों में दिखाया जाएगा जब वह वास्तविक में अर्जित होंगी। ये तो हो गया हमारी पहली बात जो विवेकशीलता संकल्पना कहती है। दूसरी, कि सभी जितने भी हमारे पास हानियां हैं, लिखेंगे सभी हानियां जिनकी यदि दूरसत संभावना भी हो, दूरसत मतलब दूर की संभावना भी है, अभी हुई नहीं है बस संभावना है, दूरसत संभावना भी हो, उसे हम अभी अपनी लेखा पुस्तकों में दर्शाएंगे। ये तो हो गई दूसरी चीज। तीसरी बात कहता है विवेकशीलता संकल्पना के अनुसार हमारी तीसरी चीज है अंतिम स्टॉक को बाजार और वास्तविक मूल्य में से जो कम हो उस पर दर्शाएंगे। ठीक है, और दायित्वों के लिए पूर्णतः प्रावधान बनाएंगे। तो ये चार चीजें विवेकशीलता संकल्पना कहती है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जितनी भी संपत्ति और आमदें है उसका मूल्य कम और देनदारी व मूल्य अधिक रखा जाता है।
ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है हमारे तीसरे व चौथे पॉइंट में कि अंतिम स्टॉक को बाजार और वास्तविक मूल्य में से जो कम हो उस पर दर्शाएंगे और दायित्व का पूर्णतः प्रावधान बना के रखेंगे, जिससे हमारी क्या होती है कि दायित्व की मूल्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संकल्पना को दर्शाएंगे, विवेकशीलता संकल्पना को। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।